हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए यूनानी कला से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। मणिकुट्टिम चित्र सबसे पहले कहाँ बने? पोम्पेई। पोम्पेई में मणिकुट्टिम चित्र सबसे पहले बने थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? आद्य ज्यामिति शैली। एक्सिकियास तथा यूफ्रेनियस किस युग के यूनानी पात्र चित्रकार थे? आरंभिक शास्त्रीय युग के। आरंभिक शास्त्रीय युग में एथेनियन अंत्येष्टि पात्रों का चित्रकार कौन था? एक्सिकियास। वासनामूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध था? पैरेसियस। पुरुषाकृति से नारी आकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? यूमारीज। स्थित लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार था किमोन। छठी सदी ईसा पूर्व में स्थित लाघव का प्रयोग करके किसने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोगों के लिए नए द्वार खोल दिए? किमोन। किमोन नामक यूनानी चित्रकार थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत में गांधार कला उदाहरण है हेलनेस्टिक कला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? मेसोडोनिया में। यहूदी धर्म के संस्थापक थे इब्राहिम। प्लेटो तथा अरस्तु किस देश के रहने वाले थे? यूनान के। किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीस। यूनान की वास्तु चित्रकला बहुत ही फेमस है वहां। इट्रस्कन कला संबंधित है प्राचीन रोम से। पारसी धर्म के प्रवर्तक थे जरथुष्ट। पार्थेनन स्थित है एथेंस में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? 474 ईसा पूर्व में बनाई गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। डेल्फी से प्राप्त रथवाहक सारथी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में। मायरन की प्रसिद्ध कृति वर्तमान में कहाँ स्थापित है, जिसका शीर्षक डिस्को बॉलस है? म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी में है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डिस्कस थ्रोअर के नाम से जानते हैं और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पालिक्लितस की प्रसिद्ध कृति भाला लिए मल, स्पेयरमैन, जो 440 ईसा पूर्व की है, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? नेपल्स म्यूजियम इटली में है। आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का क्या स्वरूप मिलता है? प्रवेश द्वार त्रिभुजाकृति शीर्ष वाले हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। प्रसिद्ध कृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार है मायरन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीएस। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है इलियट तथा ओडिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कभी कभी एक पुस्तक पूछ देता है किसके द्वारा लिखी गई, तो कवि होमर के द्वारा लिखी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पुस्तकें हैं ये। होमर थे यूनान के आदि कवि, दोनों आँखों से अंधे थे ये।
एक वहां के कवि थे और ये अंधे थे। अब ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई? यूनान में। प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है? कुरोस और कोरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने यूनानी कला से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसे इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।